हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। उसमें हम लोगों ने एल्गी पढ़ ली थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, फिर हमने ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ ली थी। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेरिडोफाइट्स। ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसकी भी लाइफ साइकिल और सारे फीचर्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर ये मजेदार सा टॉपिक। देखो बच्चों, टेरिडोफाइट्स जब वर्ड आता है तो जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि वर्ड को आप स्प्लिट करके देखिए, तो टेरिडोफाइट्स को आप जब स्प्लिट करेंगे तो दो वर्ड्स आपके पास आएंगे, उनमें से एक वर्ड होगा क्या, टेरोन। टेरोन वर्ड का मतलब होता है फेदर, और फाइट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें कैसी लीव्स मिलती है, फेदर लाइक लीव्स मिलती है, फेदर लाइक प्लांट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है वो है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। अब ये ऐसे प्लांट है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को टेरिस्ट्रियल यानी कि सॉइल पर कंप्लीट करते हैं। जैसे ब्रायोफाइट्स में तो क्या था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर एसेंशियल था, इसीलिए हम उनको क्या कह रहे थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो सॉइल एज वेल एज एक्वेटिक एनवायरमेंट दोनों में मिल रहे थे। उनकी लाइफ साइकिल कब कंप्लीट हो रही थी, जब उनको वाटर मिल रहा था। लेकिन टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट है जिनकी पूरी लाइफ साइकिल कहां कंप्लीट हो जाएगी, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, इनको हम कहते हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू। और वो वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, दो तरह के वैस्कुलर टिश्यू मिलेंगे, एक तो मिलेगा जाइलम और दूसरा मिलेगा फ्लोएम। जाइलम जिसका काम क्या होता है, वाटर कंडक्शन, फ्लोएम जिसका काम क्या होता है, फूड का कंडक्शन करना। लेकिन क्लास 9th में आप लोग पढ़कर आते हैं जाइलम के चार एलिमेंट्स, वेसल्स जिसको कि ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकीट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन टेरिडोफाइट्स में इस जाइलम को रिप्रेजेंट किया जाएगा केवल और केवल किसके थ्रू, ट्रेकीट्स के थ्रू। और वही जो फ्लोएम है, फ्लोएम के भी चार एलिमेंट्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये चारों एलिमेंट नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पे क्या मिलती है, सीव सेल्स मिलती है। नॉर्मली तो क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी वहां पे सीव ट्यूब्स मिलती है, लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब की जगह क्या मिलती है, सीव सेल्स मिलती है। तो यहाँ पे ये पहले प्लांट ऐसे आए हैं जिनमें की वैस्कुलर टिश्यू मिला है, जहां पर कि वाटर और फूड का कंडक्शन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो ये जो मैंने दो पॉइंट्स बताए हैं, इन दो पॉइंट्स पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन से है, तो आपका जवाब होगा टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन से है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, टेरिडोफाइट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग देखते हैं जब इनकी लाइफ साइकिल, तो हम ये देखते हैं कि इनमें कौन सी जेनरेशन, यानी कि गैमेटोफिटिक जेनरेशन या स्पोरोफिटिक जेनरेशन, कौन सी जेनरेशन डोमिनेंट है। तो जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट जेनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफिटिक यानी कि 2N। अब इस जेनरेशन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी किसमें, रूट, स्टेम और लीव्स में। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है लीव्स का, क्यों अभी बताती हूँ, क्योंकि यहीं से हमारी लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है, कैसे समझो। लीव्स जो मिलेंगी बच्चों वो इसमें दो तरह की मिलेंगी। अगर लीव्स का साइज छोटा है तो ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम क्या कह देंगे, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। अगर क्या है, लीव्स का साइज छोटा है तो हम क्या कह देंगे, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। और अगर लीव का साइज बड़ा है तो हम उसे क्या कह देंगे, मेगाफिलस टेरिडोफाइट। अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि डिफरेंस को लेकर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। तो माइक्रोफिलस में तो लीव छोटी है, लेकिन साथ ही साथ एक टर्म आपको याद रखनी होगी, वो क्या है कि लीव्स कैसी होती है, सिंपल होती है। और वही मेगाफिलस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वहां लीव्स कैसी होती है, वहां लीव्स होती है पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली
कंपाउंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है और पिनेटली कंपाउंड लीफ का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों सिंपल लीफ को समझाने से पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाई थी, ये देखिए। अब ये जो पूरी लीफ है, ये पूरा जो पोर्शन कहलाता है, ये कहलाता है लीफ लैमिना। और आपने देखा होगा कि इसमें मैंने कुछ इस तरह के इंसीजंस बनाए हैं। तो जब ये इंसीजंस केवल मार्जिन तक ही लिमिटेड रहे, तो इस तरह की लीफ को तो हम क्या कह देंगे, सिंपल लीफ। लेकिन ये जो सेंटर में जो बनाई है, ये क्या है, मिड रिब है। लेकिन जब ये इंसीजन कहां पहुंच जाए, मिड रिब तक पहुंच जाए। कैसे, जैसे कि ये एक इंसीजन है, ये इंसीजन मिड रिब तक पहुंच गया, फिर आगे बढ़े, फिर ये दूसरा वाला इंसीजन है, ये भी कहां तक पहुंच गया, मिड रिब तक पहुंच गया। तीसरा इंसीजन है, ये भी कहां तक पहुंच गया, मिड रिब तक पहुंच गया। इसी तरीके से इस साइड में देखें, ये वाला इंसीजन है, वो मिड रिब तक पहुंच गया, दूसरा इंसीजन मिड रिब तक पहुंच गया। यानी कि ये वाली जो लीफ थी, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो अब इस तरह की लीफ को हम क्या कह देंगे, कंपाउंड लीफ कह देंगे। ये डिफरेंस होता है सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। जब वो इंसीजन केवल मार्जिन तक लिमिटेड रहेंगे तो सिंपल, अगर वो इंसीजन मिड रिब तक पहुंच के उस लीफ को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो लीफ है इसमें ये कितनी लीफ है ना, ये कितनी लीफ है, तो ऐसे काउंट करने मत बैठ जाना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं करेंगे। ये जो एक पार्ट है, उस एक पार्ट को हम क्या कह देंगे, लीफलेट कह देंगे। ये 8 लीफलेट जो मैंने ड्रॉ करे हैं, ये 8 लीफलेट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक लीफ बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक डिफरेंस सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में। तो यहाँ पे जो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स है, उनमें जो लीफ मिलती है वो मिलती है सिंपल लीफ, जो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स हैं उनमें मिलती है कंपाउंड लीफ। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वो पूछा जाता है इसके एग्जांपल को लेकर कि माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स के कोई दो एग्जांपल दीजिए। तो वहां पे आपको नाम याद रखना होगा, मैं इस एरो पे लिख रही हूँ, एक्विसिटम और लाइकोपोडियम। इसमें कैसी मिलती है, ये है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। और यही अगर मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स की बात करूं, तो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में आपको नाम याद रखना है फर्न्स, और फर्न्स में भी आप नाम याद रख सकते हैं दो टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ, ये जो सारी चीजें बता रही हूँ, ये ना केवल क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि नीट में भी इसको पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लर्न करिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट हो गए, देख लिया वैस्कुलर प्लांट हो गए, फिर उसके बाद बता दी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, रूट स्टेम लीफ मिलेंगे, और लीफ में हमने माइक्रोफिलस मेगाफिलस को डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि कुछ लीफ इसमें ऐसी होती है टेरिडोफाइट्स में, जिसमें कि लीफ के ऊपर आपको कुछ छोटे से चिन्नी मिन्नी से ब्लैक कलर के गोल गोल से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बनाया और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, है ना। ये कहां मिलेंगे, लीफ की वेंट्रल सरफेस पर। अगर मैं मेरे हाथ को कंसीडर करूं तो ये डॉर्सल सरफेस और ये वाली जो सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस है। तो यहां पर अगर मैं कुछ ब्लैक कलर के इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना दूं, इस तरह के से स्ट्रक्चर्स बना दूं, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे। तो ये जो स्पोरेंजिया जिन लीफ पे मिलेगी, सारी लीफ पे नहीं मिलेगी, जिन लीफ पर ये स्पोरेंजिया मिलेगी उस लीफ को हम क्या नाम दे देंगे, स्पोरो फिल। कौन सा फिल वर्ड, जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है लीफ। स्पोरो आ रहा है यानी कि ऐसी लीफ जिस पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। अब अगर उस स्पोरोफिल पर जो स्पोरेंजिया मिल रही है उनका साइज अगर छोटा है तो हम उसे क्या कह देंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। अगर वो स्पोरोफिल जिस पर कि अगर स्पोरेंजिया का साइज बड़ा है तो हम उसको क्या कह देंगे, सॉरी माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। और अगर ऐसी स्पोरोफिल जिस पर की स्पोरेंजिया का साइज बड़ा है तो हम उसे क्या कह देंगे, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। अब माइक्रो स्पोरोफिल पे क्या मिल रही है, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरोफिल पे क्या मिल रही है, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में बनता क्या है, स्पोरेंजिया में बनती है स्पोर मदर सेल, ठीक है, स्पोरेंजिया में क्या बनती है, स्पोर मदर सेल। तो माइक्रो स्पोरेंजिया है तो वहां क्या बनेंगी, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर
मदर सेल, और मेगा स्पोरेंजिया है तो मेगा स्पोरेंजिया में क्या बनेंगी, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अब जब माइक्रो स्पोर मदर सेल है उसमें जब मेयोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर, और मेगा स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होगा तो क्या बनेंगे, मेगा स्पोर। जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है, मैं यहां से ये रेस कर रही हूं और एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जब भी कभी स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। ये बात हमेशा याद रख लो कि जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट। अब अगर माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो हम यहां क्या लिख देंगे, माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करा तो क्या बना, मेल गैमेटोफाइट, और जब मेगा स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ फाइट लिखा है मैंने, अगर राइटिंग क्लियर नहीं हो रही तो मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या मिलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्गिगोनियम, तो यहां लिख दो आर्गिगोनियम। मेल गैमेटोफाइट पे क्या मिलेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, तो हमने यहां लिख दिया एंथ्रीडियम। आर्गिगोनियम में क्या बनेगा, आर्गिगोनियम में फीमेल जो गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, एग। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या कहलाता है, एंथेरोजोइट, तो यहां लिख दिया एंथेरोजोइट। दोनों का फ्यूजन होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन, तो हमने यहां क्या लिख दिया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट क्या चीज बनती है हमारे पास, जाइगोट, तो हमने लिख दिया जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो वापिस से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो यही तो हमें पढ़ना था, यही तो इसकी लाइफ साइकिल हुई। हमने लाइफ साइकिल को कहां से स्टार्ट किया, हमने लाइफ साइकिल को स्टार्ट किया स्पोरोफाइट से, और उस स्पोरोफाइट पे हमने क्या बताया कि उस स्पोरोफाइट पर हमें कुछ लीफ मिल रही है, और एक स्ट्रक्चर में यहां और लिख देती हूँ उसको भी मैं समझाती हूँ, वो है स्ट्रोबिलस। अभी बताती हूँ क्या होता है, देख मैं अपने हाथ के थ्रू बताती हूँ। स्पोरोफाइट है, उस स्पोरोफाइट पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। ये स्ट्रोबिलस किससे मिलके बनता है, ये स्ट्रोबिलस मिलके बनता है किससे, स्पोरोफिल से, ठीक है। अब अगर स्पोरोफिल का साइज छोटा है, या स्पोरोफिल पर अगर सॉरी स्मॉल साइज की स्पोरेंजिया मिल रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल। अगर उस स्पोरोफिल पे बड़े साइज की स्पोरेंजिया मिल रही है तो हम उसको कह देंगे मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल जिसपे क्या बन रही है, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल जिसपे क्या बन रही है, मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया में क्या बनेंगी, माइक्रो स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोरेंजिया में क्या बनेंगी, मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल कह रहे हैं यानी कि इसकी प्लॉयडी क्या होगी, इसकी प्लॉयडी होगी 2n। ये देखो इसकी प्लॉयडी क्या होगी, 2n। मदर जहां पर भी आ रही है प्लॉयडी क्या होगी, 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ जिससे क्या बना, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ जिससे क्या बने, मेगास्पोर। जब ये मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं तो इसका मतलब इसकी प्लॉयडी क्या होगी, हैप्लॉयड यानी कि n है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट। तो मेगा स्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट है तो उसपे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा जिसको नाम क्या देते हैं हम, आर्किगोनियम। मेल गैमेटोफाइट है उस पर क्या बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको क्या नाम देते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में बने एंथ्रेजोइड, आर्किगोनियम में बना एग। यहां पर इनकी प्लॉयडी एन और एंथ्रेजोइड की प्लॉयडी भी क्या है, एन। दोनों का फ्यूजन हुआ, प्रोसेस क्या कहलाई, फर्टिलाइजेशन, बना क्या, जाइगोट। प्लॉयडी क्या हुई, 2n। 2n से फिर इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट। अगर मैं वर्ड बोल रही हूँ स्पोरोफाइट, इसका मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं उस पूरे प्लांट की बात कर रही हूँ कि वो प्लांट जो कि किसमें डिफरेंशिएटेड है, रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड है। तो यहां पर हमें वापस से क्या मिल गया, पूरा स्पोरोफाइट। और इस तरीके से हमने टेरिडोफाइट्स की बातों ही बातों में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दी। तो ये थे टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन मैं बता रही हूँ टेरिस्टल प्लांट्स, फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट कौन से हैं इसको लेकर पूछा जाता है। वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहले किसमें मिला,
कौन से प्लांट ग्रुप में मिला तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 का क्लास 11 का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि तीन प्लांट ग्रुप बताओ और उनमें से किसी एक, जिसमें कि आर्किगोनिया मिल रही है, और उनमें से किसी एक की लाइफ साइकिल बताओ। तो ब्रायोफाइट्स की बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाई थी, ये हमने कंप्लीट कर ली टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिम्नोस्पर्म। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं वीडियो में कोई कमी लगती हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।